हेलो गाइस, स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप इंडसइंड बैंक का जो CSP पोर्टल है उस पर एक दिन में आप कितना पैसा इंडसइंड बैंक अकाउंट से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको विड्रॉल कर लेना है। विड्रॉल आप 10-10 करके दो बार, यानी कि आप टोटल 20,000 रुपये पर डे का जो विड्रॉल है वो कर सकते हैं। एंड उसके बाद आपको जो भी अमाउंट है वो IMPS के थ्रू निकालना होगा। तो चले किस तरीके से निकालते हैं बताते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है विड्रॉल कर लेना है 20,000 रुपये, जो कि 10-10,000 रुपये होगा वन टाइम में। 20,000 विड्रॉल करने के बाद में आपको यहाँ पर बैंक आ जाना है। बैंक आने के बाद में यहाँ पर जो है आपको IMPS ट्रांसफ़र का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में जो है आपको जिस भी कस्टमर का पैसा निकालना है आपको उसका यहाँ पर आधार नंबर फिल करना है। आधार नंबर फिल करने के बाद में उसके जितना भी अमाउंट, यानी मैक्सिमम आपका 10,000 ही निकलेगा, तो आपको यहाँ पर 10,000 सिंपली फिल कर देना। 10,000 रुपये करोगे तो ये जो है IMPS होगा, आप जो भी बैंक अकाउंट यहाँ पर दोगे उसमें ये पैसा जाएगा। एंड जो 10,000 है उसका आपको यहाँ पर 50 रुपये चार्ज अलग से पे करना होगा, जो कि कस्टमर के बैंक अकाउंट से ही कटेगा जिसका आप निकाल रहे हो। तो सिंपली ये सारी डिटेल फिल कर देना है, कस्टमर का यहाँ पर आधार नंबर डाल देना है, जितना अमाउंट निकालना है वो डाल देना है। यहाँ पर 50 रुपये एक्स्ट्रा जो है आपका कस्टमर के बैंक अकाउंट से कटेगा। एंड उसके बाद में जो है बेनिफिशियरी बैंक नेम, यानी भी आपको जिसके भी बैंक में IMPS के थ्रू पैसा लेना है, आपका हो या किसी अदर का भी हो, तो आपको यहाँ पर वो बैंक सिलेक्ट कर लेना। जैसे कि हम यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया सिलेक्ट कर लेते हैं। बैंक ऑफ इंडिया सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको जो है नाम फिल कर देना। जैसे कि यहाँ पर हम नाम एग्जांपल के तौर पर मेरा डाल दे रहे हैं। यहाँ पर आप कोई भी एक मोबाइल नंबर फिल कर देंगे। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद में जो है आपको यहाँ पर अकाउंट नंबर, जो बैंक ऑफ इंडिया का आपका अकाउंट नंबर है, वो अकाउंट नंबर यहाँ पर आपको फिल कर देना। एंड एक बार री एंटर यहाँ पर अकाउंट नंबर कर देना है कन्फर्म के लिए। एंड यहाँ पर आपको है बैंक का IFSC कोड फिल कर देना। IFSC कोड के बाद में यहाँ पर आपको री एंटर IFSC कोड डाल देना। उसके बाद में जो है यहाँ पर बेनिफिशियरी अकाउंट टाइप, यानी कि जो भी अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं वो करंट है या सेविंग है, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे जैसे कि ये सेविंग है। और IMPS ट्रांसफ़र पर क्लिक करके जो है आपको यहाँ पर कस्टमर का फिंगरप्रिंट कैप्चर करना है, जिसका भी आपको IMPS के थ्रू पैसा निकालना है। तो इस तरीके से जो है आप मैक्सिमम अमाउंट आप 1,00,000 रुपये तक का निकाल सकते हो IMPS के थ्रू, जिसका जो आपको 10,000 का 50 रुपये चार्ज जो है अलग से देना पड़ेगा। और इस तरीके से जो है आप उसके बैंक अकाउंट से जो पैसा IMPS के थ्रू अपने बैंक अकाउंट या किसी भी बैंक अकाउंट जो आप अकाउंट नंबर देगी उसमें आप हैंड टू हैंड IMPS के थ्रू पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन इसका जो है आपको चार्ज अलग से देखने को मिलेगा। तो गाइस, इस तरीके से जो है आपकी जो पर डे की लिमिट है इंडसइंड बैंक के CSP पोर्टल से आप 20,000 निकाल सकते हैं 10-10 करके दो बार। एंड उसके बाद में जो भी है आपको IMPS ट्रांसफ़र करना होगा। तो गाइस, इस तरीके से जो है आप पैसा इंडसइंड बैंक का 1,00,000 रुपये तक भी निकाल सकते हैं। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।